आज मैं आपके लाया हूँ ये Asus का VivoBook S14 OLED लैपटॉप। इसमें लगा हुआ है Intel का Core i5 12500H CPU और ये EVO सर्टिफाइड लैपटॉप है। तो इस लैपटॉप को मैंने एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट किया है। तो ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो डेफिनेटली आप जज कर पाओगे कि ये Asus का VivoBook S14 OLED लैपटॉप आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो पहले मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। द VivoBook एनवायरमेंट, ये है आपका लैपटॉप। ये इस लैपटॉप का वसीयतनामा। एमएस ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा। ये नया चीज मिल रहा है, इसको खोल के देखते हैं। भाई ये बच्चों वाली बातचीत। ये 90 वोल्ट का टाइप सी वाला अडेप्टर है। इस अडेप्टर पर आपको एसुस की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये है पावर कॉर्ड। सफेद चादर से लैपटॉप को बाहर निकालते हैं। ये लो भाई, और यहाँ पर Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉटम कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये एग्जॉस्ट वेंट है, ये सिंगल फैन मिलने वाला है इसमें। ये बड़ी सी एयर इनटेक के लिए ग्रिल मिल जाती है। ये डाउन फायरिंग स्पीकर वेंट है। इसमें आपको EVO सर्टिफाइड CPU मिलने वाला है और पैंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें मिल जाता है, तो ये लाइफ टाइम रहेगा फ्री। और यहाँ पर इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स मेंशन है। अब चलिए इस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 12500H CPU। इसमें आपको 2.5 GHz की बेस क्लॉक स्पीड मिल जाएगी, 4.5 GHz की टर्बो क्लॉक स्पीड मिलती है और 18 MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिलने वाली है। 12 कोर 16 थ्रेड के साथ में आएगा। इसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंट कोर मिलने वाले हैं और इनकी क्लॉक स्पीड भी अलग अलग रहेगी। और इस लैपटॉप में आपको इंटेल आयरिस एक्स ग्राफिक्स मिल जाता है और भाई ये बहुत ही अच्छी गेमिंग भी करवा देता है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है, तो ये इंटीग्रेटेड GPU आपके लिए मोर देन इनफ है। और ये Asus VivoBook S14 लैपटॉप इंटेल EVO सर्टिफाइड है। इंटेल EVO की सर्टिफिकेशन तभी दी जाती है जब लैपटॉप कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखता है। तो ये लैपटॉप फास्ट वेकअप को सपोर्ट करता है, टाइप सी चार्जिंग मिल जाता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं, डिस्प्ले इसकी प्रीमियम है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी के साथ में आता है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही सुपर लेवल की रहेगी। और 9 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप है। 30 मिनट के चार्ज में 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है। तो तभी भाई इस लैपटॉप को इंटेल EVO की सर्टिफिकेशन दी गई है। इसमें आपको 16 GB की DDR4 3200 MHz की रैम मिल जाती है और इस लैपटॉप की रैम को हम मैक्सिमम 16 GB तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं। बट इसमें एक सोडियम स्लॉट है। अगर ये 16 GB की रैम स्टिक अलाउ करता है तो टोटल हम 24 GB तक रैम को एक्सपेंड कर पाएंगे। 512 GB की M.2 Gen 4 SSD मिल जाती है जिसकी रीड राइट स्पीड आपके सामने है। इस लैपटॉप की स्टोरेज को आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। लेटेस्ट वाईफाई कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.3 का ऑप्शन मिल जाएगा और मेरे इंटरनेट प्लान की स्पीड 40 Mbps है। इसको ये वायरलेसली इजिली कंज्यूम कर लेता है। अब चलिए इस लैपटॉप की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं। तो इस लैपटॉप का वेट 1.5 kg का रहेगा। फिलहाल ये लैपटॉप मेरे पास इंडी ब्लैक वाला है और ये न्यूट्रल ग्रे कलर में भी आता है। इसके टॉप कवर पर आपको Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये डायमंड कट डिजाइन के साथ में आता है, तो ये इस लैपटॉप की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। और इस लैपटॉप की टॉप कवर मेटल बिल्ड के साथ में आने वाली है, तो यहाँ पर फ्लेक्स बहुत ही मिनिमल रहेगा। साथ ही में कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही मिनिमम है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी रहेगी। और यार आप इस लैपटॉप की लीड को सिंगल एंड से ओपन कर सकते हो, तो ये वाली चीज आप लोगों को इम्प्रेस कर सकती है। और इस लैपटॉप की लीड को आप 180 डिग्री तक पूरा ओपन कर पाओगे, तो ये और भी खतरनाक चीज है। अगर आप अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को और किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो तो इसके थ्रू पॉसिबल है। इस लैपटॉप की हिंज क्वालिटी बहुत ही स्मूथ है और ये 180 डिग्री तक पूरा ओपन हो जाती है, क्योंकि आपने अभी देखा ही था। बाकी यार आप इस लैपटॉप की इनर डिजाइन देख सकते हो, इसकी बेजल्स बहुत ही कम रहने वाली है। बेजल्स पर आपको रबर स्ट्रिप भी मिल जाती है ताकि इस लैपटॉप की डिस्प्ले इस लैपटॉप के कीबोर्ड से प्रोटेक्ट रहे। कुछ लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कीबोर्ड का लेआउट डिस्प्ले पे छप जाता है, तो ऐसा वाला सीन इस लैपटॉप के साथ में नहीं होगा। और नीचे वाली बेजल चिन्ह पर आपको Asus VivoBook की ब्रांडिंग मिल जाती है और ये लैपटॉप आपकी डेस्क पे बहुत ही मॉडर्न लुक ऑफर करने वाला है। इस लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है और इसमें आपको 1.4 mm का की ट्रेवल मिलने वाला है। डिस टाइप की कैप्स मिल जाती है और कीज की साइज आप खुद देख सकते हो, बहुत ही बड़ी है। टाइपिंग में यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप एक ऑफिस यूजर हो या स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली भाई इसका कीबोर्ड आपको पसंद आने वाला है। इसके टच पैड की साइज देखो, ऐसा लगता है कि भाई पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान यहाँ पर बना सकते हैं हम। बहुत ही बड़ा ट्रैक पैड मिलता है, ये पर्सिशन टाइप का टच पैड रहेगा और ये विंडोज 11 के सभी जेस्टर को सपोर्ट करता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल टैब्स में स्विच करते हो, तो यहाँ पर इस ट्रैक पैड के साथ में आपका वर्क फ्लो बहुत ही इजी रहेगा। और ये ग्लास टच पैड है तो क्वालिटी के साथ में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और इस लैपटॉप के पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है जो कि काफी फास्टली से वर्क करता है। आप खुद देख सकते हो काफी रेस्पॉन्सिव है। ओवरऑल इस लैपटॉप का कीबोर्ड लेआउट बहुत ही शानदार है। बाकी यार आप इस लैपटॉप के पाम रेस्ट की साइज भी देख सकते हो, काफी सही तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है। बिकॉज ऑफ ये लैपटॉप 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो में आता है, ऑब्वियसली पाम रेस्ट एरिया भी अच्छा खासा मिलना ही था। अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस लैपटॉप पे कंटिन्यूसली
टाइपिंग करते हो तो आपके पाम्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी इस पाम रेस्ट के राइट साइड में हार्मन कार्डिन की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और इस लैपटॉप के कुछ फीचर्स भी मेंशन किए हुए हैं। अब इस लैपटॉप के बॉटम पर नजर मारो तो यहाँ पर आपको एयर इनटेक के लिए एक बड़ी सी वेंट मिल जाती है। इसमें आपको एयर इनटेक के लिए एक सिंगल फैन मिल जाता है और हवा पास करने के लिए इसमें आपको दो एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं जिनकी प्लेसमेंट लैपटॉप के लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे है। एसुस ने यहाँ पर एसुस आइस कूल टेक्नोलॉजी दी है तो ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा रहेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर इसमें फैन मिल जाता है और ये लैपटॉप हाई परफॉर्मेंस मोड में भी ज्यादा हीट नहीं होता है। इसमें थोड़ी सी फैन नॉइज तो है पर आप इसको अवॉइड कर सकते हो और टेम्परेचर का आइडिया गेम प्ले वाले सेक्शन में मिलने वाला है तो वो वाला पार्ट जरूर से देखना। और बॉटम पर ही आपको दो डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं जिनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही औसम है। बाकी आप ये सैंपल पार्ट सुनो। तो देखो इसमें आपको हार्मन कार्डन सर्टिफाइड ऑडियो सिस्टम मिलने वाला है। DTS ऑडियो प्रोसेसिंग की वजह से स्पीकर्स काफी लाउड ऑडियो प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप इस लैपटॉप के साथ में म्यूजिक वगैरह कंज्यूम करना चाहते हो, मूवीज वगैरह देखना चाहते हो तो आपको ऑडियो की कमी नहीं खलेगी। अब पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप के लेफ्ट साइड में एक USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और राइट साइड में एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, दो USB टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं और दोनों ही थंडरबोल्ट पोर्ट है और एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और एक 3.5mm का हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इस लैपटॉप का मेन हाइलाइटेड फीचर है क्योंकि इसमें आपको 14 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है और ये 16:10 के साथ में आने वाली है और इसमें आपको 0.2 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में 600 निट्स का ब्राइटनेस सपोर्ट मिल जाएगा और ये डिस्प्ले वैसा सर्टिफाइड है और HDR को भी सपोर्ट करती है। इसी के साथ में इसमें आपको 100% DCI-P3 कलर गैमेट का सपोर्ट मिल जाएगा और ये पैनटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले रहेगी। तो इस लैपटॉप की डिस्प्ले की जितनी तारीफ करें उतने ही कम है। इस डिस्प्ले को आप मस्त आउटडोर में यूज कर सकते हो, 600 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है और अगर आपको प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग करनी है तो उसके लिए तो भाई ये डिस्प्ले एकदम परफेक्ट रहेगी। इसी के साथ में अगर आप इस लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम या मूवीज वगैरह कंज्यूम करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई ये डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब इस लैपटॉप के वेबकैम की बात करें तो इसमें आपको HD वेबकैम मिल जाता है और ड्यूल इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी के साथ में इस लैपटॉप में वेबकैम शटर भी दिया गया है। बाकी यार आप ये सैंपल पार्ट देखो। देखो ये वाला पार्ट इस लैपटॉप के वेबकैम और माइक से रिकॉर्ड हो रहा है तो इसकी ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी है आप खुद जज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को बूट करके देखते हैं तो ये लैपटॉप 15-20 सेकंड ले लेता है बूट होने में, हालांकि इसे थोड़ा कम टाइम लेना चाहिए था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है गाइस। अब चलिए इस लैपटॉप के कुछ बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। तो Geekbench 6 के सिंगल कोर में 2256 का स्कोर करता है और मल्टी कोर में 7940 का स्कोर करता है। OpenCL का स्कोर आपके सामने है, Cinebench R23 के सिंगल कोर में 1650 का स्कोर करेगा और मल्टी कोर में 10057 का स्कोर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3DMark का टाइम स्पाई स्कोर आपके सामने है, CPU का स्कोर बहुत ही इंप्रेसिव है, PCMark 10 की रेटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा स्कोर ये लैपटॉप करता है। तो ये थे इस लैपटॉप के कुछ बेंचमार्क्स। अब चलिए इस लैपटॉप के गेम प्ले की बात करते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप पे सबसे पहले आप सभी का फेवरेट GTA 5 रन किया है। ये फुल HD के नॉर्मल प्रीसेट में 40-50 FPS देता है। CPU का टेम्परेचर 65-68°C रहेगा और CPU मैक्सिमम 22-23 की TDP को कंज्यूम कर लेता है। हाई प्रीसेट में ये 30-35 FPS देता है और विदाउट लैग आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। CPU का टेम्परेचर सेम ही रहेगा और CPU यहाँ पर मैक्स 22-23 की TDP को कंज्यूम करता है। वेरी हाई पर आप GTA 5 को इस लैपटॉप पे प्ले नहीं कर सकते हो, ये 20-25 FPS देता है। बाकी फुल HD के नॉर्मल प्रीसेट पे आप GTA 5 को इजीली एंजॉय कर सकते हो, वो भी विदाउट लैग। नेक्स्ट मैंने इस लैपटॉप पे Fortnite रन किया है। फुल HD के एपिक प्रीसेट पे ये 45-50 FPS देता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। CPU टेम्परेचर 72 तक क्रॉस कर लेता है और CPU की TDP यहाँ पर 22 वाट तक रहेगी। बाकी यार यहाँ पर Fortnite भी विदाउट लैग प्ले हो रहा था क्योंकि इसमें एस क्लास CPU मिलता है तो इस लैपटॉप में आप विदाउट ग्राफिक्स भी गेम प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर PUBG PC रन किया है, ये फुल HD के वेरी लो प्रीसेट पे रन किया हुआ है। यहाँ पर आपको 30-35 FPS मिलने वाले हैं। बाकी यार ये PUBG PC थोड़ा हेवी ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम है तो आप इस लैपटॉप पे PUBG PC को इग्नोर ही करना। नेक्स्ट मैंने Valorant रन किया है और इसको तो भाई आप इजीली प्ले कर सकते हो, ये e-sport टाइटल सबसे ज्यादा खेला जाता है। अब इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को और टेस्ट करने के लिए मैंने इस लैपटॉप पे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर रन किए हैं। सबसे पहले Adobe Premiere Pro में 2 मिनट का एक 4K प्रोजेक्ट रेडी किया है और ये 60 FPS का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को जब हम रेंडर करते हैं तो ये 3-4 मिनट ले लेता है रेंडर करने में, तो ये काफी क्विकली से रेंडर कर देता है। अगर आप भी इस लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या अपने रील्स वगैरह एडिट करना चाहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई आप इस लैपटॉप के साथ में कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फोटोशॉप रन किया हुआ है, इसमें मैंने प्रीवियस Dell G15 5520 का रिव्यू किया था, उसका मैंने एक थंबनेल क्रिएट किया है तो मैंने इस थंबनेल
इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर रखे हैं, इसको भी भाई ये इजीली से हैंडल कर लेता है। बाकी गाइस आप सभी को पता ही है फोटोशॉप तो i3 वाले लैपटॉप में भी चल जाता है, तो यहाँ पर तो भाई हमें बहुत ही पावरफुल सीपीयू मिलता है, तो फोटोशॉप जिस सॉफ्टवेयर को तो ये इजीली हैंडल कर लेगा। अगर आप कोरल ड्रॉ या ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हो तो डेफिनेटली भाई आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैंने इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को और टेस्ट करने के लिए इस पे ब्लेंडर रन किया है। इसमें मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, इसकी मूवमेंट वगैरह को ये इजीली हैंडल कर लेता है। तो अगर आप इस लैपटॉप पे 3D मॉडलिंग वाले सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हो लाइक ऑटोकैड या ब्लेंडर या कुछ अलग सॉफ्टवेयर, तो आप लर्निंग बेसिस पे इनको रन कर सकते हो। बाकी हैवी प्रोजेक्ट के लिए भाई आपको एक गेमिंग लैपटॉप ही परचेज करना पड़ेगा। देखो ज्यादातर आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा विंडोज लैपटॉप में बैटरी बैकअप को लेकर इश्यू होते हैं, मीन्स यहाँ पर बैटरी बैकअप कम मिलता है, बट ये लैपटॉप आपको 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देगा क्योंकि इसमें आपको 3 cell 70 watt hour की बैटरी मिलती है और एक इंटेल इवो सर्टिफाइड सीपीयू भी मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं इस लैपटॉप को पिछले 10-15 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज में 7 से 8 घंटे का था और हैवी यूजेज में ये लैपटॉप 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। अब देखो सवाल ये है कि Asus का VivoBook S14 या S15 OLED लैपटॉप किन लोगों को परचेज करना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑफिस यूजर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लैपटॉप परचेज करना है, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग, नेटफ्लिक्स मूवीज वगैरह कंज्यूम करना चाहते हो, कलर ग्रेडिंग जैसे प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हो, या फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोज वगैरह एडिट करने हैं या फोटोशॉप वगैरह रन करना है, तो डेफिनेटली भाई आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो। इस लैपटॉप की बेस्ट फाइलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इस लैपटॉप की करंट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो और इसको परचेज भी कर सकते हो। अब देखो आपको ये लैपटॉप क्यों परचेज करना चाहिए, तो इसमें आपको एक इंटेल इवो सर्टिफाइड एच क्लास सीपीयू मिलता है, 16 GB की रैम मिल जाती है जिसको आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, Gen 4 SSD मिल जाती है, वेबकैम शटर मिल जाता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं, लार्ज साइज का टच पैड मिल जाता है, मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने वाला है और OLED डिस्प्ले मिल जाती है। मतलब कि इस लैपटॉप की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। तो ये था Asus VivoBook S14 OLED का कंप्लीट रिव्यू। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और लैपटॉप्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे आ जाइए। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।